स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की इस नई वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक्टिवा 125cc का रिव्यू। तो दोस्तों, ये एक्टिवा मैंने जुलाई 2024 में, यानी कि इसी साल इसको मैंने ख़रीदा था और अब अक्टूबर का एंड चल रहा है। तो इतने मंथ्स मुझे इसे चलाने के क्या मुझे इसके पॉजिटिव और क्या मुझे इसके नेगेटिव पॉइंट्स नज़र आए हैं, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिस्कशन नहीं होगा, मुझे जो फील हुआ इसको चला के, क्या आपको इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मिलते हैं। तो दोस्तों, ये है एक्टिवा 125cc, जिसे मैंने अभी जुलाई में परचेस किया है और इस समय चल रहा है अक्टूबर। तो इन महीनों में मुझे इस स्कूटी को चलाने पर क्या फील हुआ है, वो मैं आपके साथ इसमें शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इस स्कूटी के लुक की, इसके डिज़ाइन की, तो इसका डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया है। मुझे इसका लुक और डिज़ाइन जो है वो ठीक लगा। और इसमें अगर हम फीचर्स की बात करते हैं, तो इसमें मुझे एक तो इसका जो डिजिटल मीटर है ये भी काफ़ी ठीक लगा। और इसमें आप यहाँ पर देख रहे हैं फ्यूल और सीट के लिए यहाँ पर इन्होंने एक बटन दे रखा है। यहीं से फ्यूल टैंक का ढक्कन और जो सीट है हमारी वो ओपन हो जाती है। दूसरा फीचर दोस्तों जो मुझे इस स्कूटी का अच्छा लगा, वो ये लगा कि जब तक आप इसका साइड स्टैंड जो है उसे ऊपर नहीं करेंगे, तब तक ये स्कूटी स्टार्ट नहीं होती है। और तीसरी चीज़ जो मुझे इसके अंदर अच्छी लगी, वो ये लगी कि अगर आप कहीं पर रुक जाते हैं, तो ये 3 सेकंड बाद इसका इंजन अपने आप ही ऑफ हो जाता है। और आप जैसे ही इसको स्टार्ट करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली एक्सीलेटर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है ये अपना स्टार्ट हो जाती है। तो ये फ़ीचर्स हैं कुछ जो मुझे इसके काफ़ी अच्छे लगे हैं। और जहाँ तक बात की जाए, यहाँ पर हमें एक स्पेस दिया गया है, यहाँ पर आप अपना कुछ भी सामान रख सकते हैं, मोबाइल, चार्जर, छोटे मोटे सामान कुछ भी आप इसमें रख सकते हैं। और अगर इसकी डिग्गी की बात करते हैं, तो इसको हम खोल के देखते हैं। यहाँ से इसको हम प्रेस करेंगे, इसको अगर हम ओपन करते हैं, तो ये इसका डिग्गी का स्पेस है। तो स्पेस भी इसमें ठीक ठाक ही है, मेरे मतलब का जितना भी इसके अंदर जो ज़रूरत का सामान है वो मेरा इसके अंदर कंफर्टेबली आ जाता है। और यहाँ पर ये इन्होंने फ्यूल टैंक दिया है, जो कि डिग्गी के अंदर नहीं है, डिग्गी के बाहर है। तो इसको ऑन करने के लिए हम यहीं से फ्यूल से इसको प्रेस करेंगे। जैसे ही प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर इसका फ्यूल टैंक ओपन हो जाता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से। और इसको हम इस तरीके से बंद कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं इसकी जो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट हैं। बाकी चलाने की अगर मैं बात करता हूँ, तो इसके एवरेज की अगर मैं बात करता हूँ, तो इसका जो एवरेज ये मुझे लोकल दे रहा है, वो दे रहा है लगभग 41-42 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से ये मुझे एवरेज दे रही है स्कूटी, जो लोकल मैं इसको चलाता हूँ, 1.5 किलोमीटर के रेंज में ही मैं इसको चलाता हूँ। और दोस्तों, अगर इसके पिकअप की हम बात करें, तो इसका पिकअप काफ़ी अच्छा है, सिंगल में भी अच्छा है, और डबल अगर हम राइड करते हैं, तो डबल बैठने में भी जो इसका पिकअप है वो काफ़ी इसमें बढ़िया है। तो पिकअप के मामले में भी ये गाड़ी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैं पल्सर 150 चलाता था, काफ़ी साल तक मैंने पल्सर 150 चलाई, लगभग 18 सालों तक। उसके बाद मैंने ये 125cc एक्टिवा ली, तो मुझे कोई ज़्यादा ऐसा लगा नहीं इसके पिकअप में कि मुझे कुछ कमी महसूस हुई हो। खैर, 150 पल्सर और इसकी कंपैरिजन करना तो एक अलग बात है, लेकिन अगर पिकअप की बात करें हम गाड़ी की, और इसकी जो वेट की बात करें, हैवीनेस की बात करें, तो इसका वेट भी ठीक ठाक मुझे लगा, और इसका जो पिकअप है वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो दोस्तों, ओवरऑल अगर स्कूटी की बात की जाए, तो मेरे हिसाब से मुझे जो मेरी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से स्कूटी ठीक है, कंफर्टेबल भी है, सब कुछ ठीक है। लेकिन अभी मेरी स्कूटी मैंने जुलाई में ली है, और इसको लिए हुए अभी ज़्यादा महीने नहीं हुए हैं, और अभी चली भी ये 705 किलोमीटर है। तो इसको इतने कम समय हुए और इतनी कम रनिंग में भी इसके अंदर से आवाज़ आती है, तो ये इसके अंदर की जो मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ी कमी है, कि ये आवाज़ करने लग गई है अभी से, जबकि इसको अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, ना ही ये ज़्यादा रफ़ चलती है, सिंगल हैंड चलती है, मैं ही इसे चलाता हूँ। तो ये मुझे इसके अंदर की जो सबसे बड़ी कमी लगी है वो ये लगी है। बाकी अगर इसकी टेक्निकल रिव्यू की जाए, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा, और नॉर्मली अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो स्कूटी चलाने के लिए,
तो आपको इतनी ही ज़रूरत होती है कि भाई स्कूटी चल कैसे रही है, एवरेज कितना दे रही है, पेट्रोल टैंक कहाँ पर है, कितनी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है इसकी, लगभग 5 लीटर की इसकी कैपेसिटी है। तो यही चीज़ होती हैं कि डिग्गी में कितना स्पेस है, चलने में कैसी है। तो ओवरऑल अगर देखे जाए तो ये सारी चीज़ें इसकी ठीक है, बस मुझे इसके अंदर जो सबसे बड़ी कमी लगी वो यही लगी कि ये आवाज़ करने लग गई है। तो अब जाऊंगा मैं इसको दिखवाऊंगा कि इसकी जो प्रॉब्लम है वो है क्या, कि इसमें आवाज़ क्यों आ रही है इतनी ज़्यादा, तो वो मैं इसको चेक करवाऊँगा। तो बाकी अगर आप इसको परचेस करने का सोच रहे हो तो आप इसको परचेस कर सकते हैं, स्कूटी ओवरऑल देखे जाए तो ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।